एलएसी पर तनाव के बीच सरकार का एक बड़ा फैसला देखने को मिला है। सरकार ने टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐप पर बैन लगा दिया है। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहा है, सरकार ने टिकटॉक पर बैन लगा दिया है, यानी अब देश में टिकटॉक नहीं चलाया जा सकेगा। इसके अलावा हैलो और कैम स्कैनर पर भी बैन हो गया है। शेयरइट भी एक चाइनीज ऐप है, ये भी बंद रहेगा। और जो कुछ वजह बताई जा रही है वो एलएसी पर जो तनाव हुआ उसके बाद सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐप पर बैन लगाया है। हेलो, कैम स्कैनर, टिकटॉक, शेयरइट, यूसी ब्राउजर भी इसमें शामिल है। इसके अलावा तमाम वो लिस्ट सरकार ने जारी कर दी है जो चीनी ऐप्स हैं, उन पर फिलहाल सरकार ने रोक लगा दी है। चैनल हेड शरद द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। शरद जी, इसे किस तरह की रणनीति कहा जाएगा मैं आपसे जानना चाहूँगा, और दूसरी बात, कितना असर हम इसके जरिए विरोध के तौर पर अपना जता पाएंगे? देखिए, दोनों चीज़ें हैं इसमें। पहला तो खुफिया एजेंसियों की ये रिपोर्ट केंद्र सरकार के पास गई थी। जैसा हम सब जानते हैं जो भी एंड्रॉयड फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं कि एंड्रॉयड फ़ोन हमारे अपने स्मार्टफोन में जो भी डाटा है उसके लिए परमिशंस मांगता है कि क्या वो आपके कॉन्टैक्ट में एक्सेस कर सकता है, क्या वो आपके फोटोग्राफ्स में एक्सेस कर सकता है जी। तो ये आप कह सकते हैं कि एक तरह से हम जिन ऐप्स को अपने फोन में डाउनलोड करते हैं वो एक किस्म के जासूस भी होते हैं, और वो हमारे फोन में जो भी जानकारियां हैं उन जानकारियों को अपने जो भी उनका नियोक्ता है, जो भी उनका निर्माणकर्ता देश है या कंपनी है, उसके सर्वर से वो सारी जानकारियां जुड़ी रहती हैं। तो देश की खुफिया एजेंसियों की तरफ से ये बात कही गई थी कि ऐसे 59 ऐप्स हैं जिसमें सबसे फेमस ऐप जैसा आपने जिक्र किया टिकटॉक है, कि इन पर बैन लगाया जाना चाहिए क्योंकि ये जो डाटा है, भारतीय डाटा है इसके साथ, उससे छेड़छाड़ हो सकती है। और केंद्र सरकार ने इसको अमल करते हुए इन 59 ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है, और अब कोई भी भारतीय नागरिक ये ऐप जो है अपने मोबाइल में नहीं रख सकता है और ना उसे रखना चाहिए। तो बड़ा फैसला है, मतलब दोनों है। पहला तो सुरक्षा संबंधी कारण, जो सबसे बड़ा कारण है इसके पीछे, और दूसरा चीन के प्रति चीन को ये बताना भी है कि भारत अब उस रास्ते पर चल निकला है जहां चीन के साथ जो एक रिश्ता हमारा रहा है और जिस रिश्ते में अब तक हम ऐसी किसी भी प्रक्रिया को अपनाया हमने नहीं है, लेकिन ये जो घटना घटी है बॉर्डर पर, उस घटना के बाद अब भारत एक सख्त रुख के साथ भी सामने होगा। तो दोनों तरह के मैसेज हैं, सुरक्षा कारण जिसको सबसे पहले बताते हुए इसको हटाया गया है, लेकिन इसके साथ ही जुड़ा कारण ये है कि हमने शुरुआत कर दी है और अगर आपने चीजों को बेहतर नहीं किया तो ये आगे और भी दूसरे रास्तों की तरफ ये विरोध और ये प्रतिबंध मुड़ सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो टिकटॉक लवर्स के लिए हालांकि ये खबर थोड़ी निराश करने वाली है, एक जुनून लोगों में इसको लेकर देखा गया, लेकिन जिस कारणों का हवाला देते हुए सरकार ने इस पर बैन लगाया है वो जायज़ हैं, और देश हित में इस तरह के तमाम फैसले लिए जाना भी ज़रूरी थे। पिछले दिनों इस तरह की मांग भी उठी थी, और जैसा कि शरद जी कह रहे थे कि तमाम जो सुरक्षा एजेंसीज हैं उसने इस बारे में चेताया था कि ये तमाम इस तरह के ऐप हैं जो कि यूज़र के पर्सनल डाटा को, पर्सनल जानकारी को चाइनीज सर्वर्स के साथ शेयर करते हैं। इसे देखते हुए फिलहाल सरकार ने ये फैसला लिया है कि 59 चीनी ऐप जिसमें शेयरइट, टिकटॉक, हेलोकैम तमाम चीज़ें हैं, इनको फिलहाल बैन कर दिया है।